बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू इन सेशन। मैं हूं आसमा चौधरी। नाजरीन, आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे, गुफ्तगू जिस तरीके से हो रही है, बात हो रही है कि वफाकी काबीना को जल्दी तहलील कर दिया जाएगा। इस सिलसिले में मुशावरत का सिलसिला भी जारी है मुख्तलिफ पार्टीज के साथ प्राइम मिनिस्टर गिलानी की जानिब से, लेकिन कहा जा रहा है कि ये जो काबीना को तहलील करने का फैसला हुआ है, नून लीग के एजेंडे पर अमल दरामद की एक कड़ी है, लेकिन पीपल्स पार्टी कहती है कि उन्होंने ये फैसला मिसाक जमहूरियत और 18वीं तरमीम को सामने रखे। कि आज के प्रोग्राम में इसी हवाले से गुफ्तगू हम करेंगे कि काबीना में जो जो नए लोगों को शामिल किया जा रहा है, क्या उस पर दीगर जमातें राजी हैं हुकूमत का साथ देने के हवाले से, और क्या जैसे बात की जा रही है कि इंकलाब मिस्र और ट्यूनिस की तरह पाकिस्तान में भी आ सकता है, तो क्या वाकई पाकिस्तान में इदारे इतने मजबूत हैं जो इस वक्त काम कर रहे हैं, और पाकिस्तान में कोई इंकलाब का खतरा है या नहीं, इसी पे मजीद बात करेंगे। लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक के बाद अपने मौजूद मेहमानों के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे।